मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। लेकर चलते हैं आपको बारां के छीपा बुरौद उपखंड एवं तहसील मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत दिगुद खालसा के खजुरिया स्कूल में लगातार 9 दिनों से चल रहे आत्मरक्षा शिविर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खजुरिया में चल रहे 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के नवम दिवस में मार्शल आर्ट तकनीकों पर आधारित पीटी शिक्षकों और महिला शिक्षकों एवं संभागियों को दक्ष प्रशिक्षक लीला मेहरा और उनकी टीम के साथियों ने कराटे में किक की जानकारी देकर फील्ड वर्क में किक तकनीकों का अभ्यास भी कराया गया। बालिका शिक्षा ब्लॉक प्रभारी सूर्य प्रकाश शर्मा के अनुसार आर्ट ऑफ लिविंग योग प्राणायाम के बाद संभागियों को स्वास्थ्यप्रद नाश्ता विभागीय मापदंड के अनुसार दिया गया। विशेष वक्ता के रूप में आमंत्रित रिटायर्ड सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद शर्मा ने आर्ट ऑफ लिविंग की जानकारी देकर संभागियों को जीवन जीना सीखो की शिक्षा देकर मोटिवेशन के रूप में आत्मरक्षा के लिए उद्बोधन देकर संभागियों को सुदर्शन क्रिया का अभ्यास भी कराया गया। शर्मा ने कहा कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण में जैसा आप मार्शल आर्ट में शारीरिक रक्षा हेतु विविधता में एकता के गुर सीख कर जा रहे हैं, वैसा ही प्रशिक्षण विद्यालयों में जाकर आप बालिकाओं को देकर उन्हें तन मन से आत्मनिर्भर और सक्षम और निडर बनाएंगे। व्याख्याता शंकर लाल नागर ने तन मन के लिए आत्म सोमानों की मजबूती कैसे की जावे, इसकी प्राप्ति के लिए ज्योतिर्बिंदु का सूक्ष्म स्थूल और कारण पद्धति से ध्यान का अभ्यास भी कराया और कहा कि ध्यान से निर्बल तन मन को सकारात्मक ऊर्जा और शरीर को विश्व शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। बारां छीपा बरौद से कुलदीप सिंह सिरोहिया की रिपोर्ट।